उत्तराखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पलामू जिले के हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक NH 98 पर शुक्रवार की रात्रि करीब 2 बजे तेज रफ्तार हाईवे की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक औरंगाबाद के रामपुर पंचायत मुखिया का 27 वर्षीय पुत्र विकास कुमार है। बताया जा रहा है कि विकास हरिहरगंज के भगत तेंदुआ गांव में किसी परिजन के घर तिलक में आया हुआ था और तिलक में शामिल होकर लौटने के क्रम में हाईवे की चपेट में आ गया। घटना के बाद चालक हाईवा लेकर फरार हो गया। इधर घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने NH 98 को जाम कर दिया और बीच सड़क में टायर जलाकर हाईवा चालक पर कार्रवाई की और मुआवजे की मांग करने लगे। खबर लिखे जाने तक स्थानीय पुलिस परिजनों को समझाकर जाम हटाने के प्रयास में लगी हुई थी। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भिजवा दिया गया है।